मित्रों, इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के अंदर ये जो 4 रोज़ा सीज़फ़ायर अनाउंस की गई है, इसके पहले रोज़ हमास वालों ने 13 इसराइलियों को रिहा किया। अच्छा, 13 इसराइलियों के अलावा 14 उन्होंने दीगर गैर मुल्की भी रिहा किए थे, लेकिन वो चूंकि इसराइल से लिंक नहीं है तो उसका चर्चा आपको कुछ कम सुनने में आया होगा मीडिया के अंदर। लेकिन 14 दीगर नेशनलिटीज़ के जो लोग थे उनको भी रिहा कर दिया गया। तो 13 इन्होंने कल रिहा किए इजरायली, और उसके बदले में 39 जो फलस्तीनी सिविलियंस हैं उनको इजरायल ने रिहा किया। आज दूसरे रोज ये हुआ है कि 14 जो इजरायली शहरी हैं सिविलियंस, उनको हमास ने रिहा किया है। अभी वो करने वाले हैं, कुछ ही घंटों के अंदर वो रिहा हो जाएंगे, और उसके बदले में 42 जो फलस्तीनी सिविलियंस इजरायली जेलों के अंदर हैं वो भी आज रिहा हो जाएंगे। ये सेकंड डे के अंदर ये होगा, और फिर कल देखते हैं कि क्या होता है। मीनवाइल सैकड़ों की तादाद में जो ट्रक्स हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, ऑलरेडी एड के जो ट्रक्स हैं और कुकिंग ऑयल के और पेट्रोल के, और ये सारा कुछ वहाँ पे हो रहा है। लेकिन इस दरमियान एक इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है कि इजरायली ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस तो चल रहा है, अच्छा है, लेकिन इट इज़ वेरी अनलाइकली कि हम इसको एक्सटेंड करें। ये जो 4 रोज़ा ट्रूस है इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये इजरायलियों ने कहा है और उनका मीडिया लिख रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर लगाई हुई है कि सीनियर ऑफिशियल रिपोर्ट्स दैट गाजा फाइटिंग रूल ऑलरेडी एक्सटेंडेड आर रिडिकुलस एंड फॉल्स। कुछ लोग वहां पर खबरें चला रहे थे कि क्योंकि ये प्रोसेस स्मूथली चल रहा है, सीज फायर हुआ है, अच्छा हुआ है सारा कुछ, तो फैसला किया गया है कि इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे। लेकिन नेतन्याहू की जो सरकार है उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इस किस्म का कोई फैसला तो नहीं हुआ। रिडिकुलस किस्म की चीज़ है कोई अगर ये कह रहा है कि इसको एक्सटेंड करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि वो कह रहे हैं कि फुल फोर्स के साथ 4 रोज़ के बाद हम दोबारा से अटैक शुरू करेंगे। वो कहते हैं दी ऑफिशियल्स टेल्स द टाइम्स ऑफ इजराइल दैट इट्स हाईली अनलाइकली एनी डील एक्सटेंडिंग द टेम्पररी सीज फायर बियॉन्ड 4 डेज विल बी फाइनलाइज्ड मोर देन अ डे और इवन आवर्स अहेड ऑफ टाइम। अगर ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा इसमें डिले होगा और ये मजीद चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हलाकतों का सिलसिला है, 14,500 के करीब वहाँ पर फलस्तीनी शहीद हुए, वो यानी कि मजीद बढ़ सकता है। अच्छा, इस दरमियान इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इसराइल ने, बड़ा प्रॉब्लम मोदी ने, आई शुड से इसराइल तो नहीं, मोदी ने, इसराइल ने तो सिर्फ उनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया है। हुआ यह है मित्रों कि जब से ये मौसूफ सेकेंड टाइम आए ना वहाँ पर पावर में मोदी साहब 2019 में, तो इन्होंने कश्मीर के अंदर गेम्स खेलना स्टार्ट कर दी इन्होंने। और कश्मीर पर से पहले इन्होंने आर्टिकल 370 हटा के एनेक्स करने की कोशिश की, जिसके चलते इनको मार पड़ी वहाँ से चाइना वाली साइड से, क्योंकि लद्दाख भी उसके साथ ही था, तो उसका भी 370 आर्टिकल हट गया, तो वहाँ से वो अंदर घुस के आ गए और बहुत बड़ा इलाका ले गए इंडिया के हाथ से। तो उसके बाद ये हुआ कि इनका अगला प्लान ये सामने आया इंडिया का कि इजरायली मॉडल कॉपी करते हैं। आपको याद होगा उस ज़माने में ये वहाँ गए थे, मेरे ख्याल से पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो कि वहाँ इजरायल गए थे, बड़ा नेतन्याहू के साथ हाथों में हाथ डाल के और बीच पे गाने वाने गा रहे थे दोनों। तो वो उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई और ये इम्प्रेशन गया कि इंडिया अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी चेंज करना चाहता है। लेकिन ये मोदी के बस की बात नहीं है मिडिल ईस्ट पॉलिसी चेंज करना, इंडिया बैडली डिपेंडेंट है अरबों के ऊपर। तो तब से लेके अब तक बड़ी कोशिशें इन्होंने की हैं डाइवर्ट करने की, कि थोड़ी सी पॉलिसी हमारी डाइवर्ट हो जाए। लेकिन इसराइल के ऊपर जो हमला हमास ने किया, उसने इनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इनके भी बहुत सारे प्लान जो है ना मोदी साहब के जबरदस्त किए हमास वालों ने। वो कुछ यूँ कि ये कोशिश कर रहे थे कि इसराइली स्टाइल कॉपी किया जाए कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, इसराइली स्टाइल को हम कॉपी करें। अब इसराइली स्टाइल क्या है? इसराइली स्टाइल ये है कि वेस्ट बैंक उनके कंट्रोल में है, फलस्तीन का इलाका। तो वो क्या करते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर दुनिया भर से जो यहूदी वहाँ पर आते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, जिसको मैं कहता रहता हूँ फ्री की लालच में कि फ्री का घर मिलेगा, फ्री की ज़मीन मिलेगी, बहुत सारे आ जाते हैं, तो उनको वहाँ पर लाकर सेटल करते हैं। और इवन जो बाकी के इसराइल के अंदर भी लोग होते हैं, किसी को घर चाहिए होता है तो उनको लाकर यहाँ पर सेटल करवा दिया जाता है खामोशी के साथ, चुपके से, बिना किसी शोर शराबे के और इंटरनेशनल नज़रों में आए बिना। तो बहुत सारी सेटलर्स कॉलोनीज़ इन्होंने बना दी हैं यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर।
वो हर तरह से इंटरनेशनल लॉस के खिलाफ है बेसिकली। लेकिन इसराइल का ये था कि डेमोग्राफी तब्दील करेंगे, यहाँ फलस्तीनियों से ज़्यादा जब हम हो जाएंगे तो दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सवाए इसके कि वो हमें ही वेस्ट बैंक का लेजिटिमेट ओनर तस्लीम कर ले, और लाखों लोग जब यहाँ पर आ जाएंगे तो उन सेटलमेंट्स को रिमूव करना, उन घरों को तोड़ना, ये वैसे इतना आसान होगा नहीं, तो ये हमें ही मिल जाएगा वेस्ट बैंक। ये उनका प्लान था और उस पर वो अमल करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो हमास ने हमला किया है इस पे सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हुई कि जी इसराइल कोई इतनी बड़ी फोर्स नहीं है जिसको कॉपी किया जा सके। मतलब एक मिथ थी ना कि ये अनडिफीटेड किस्म की बाहुबली किस्म की फोर्स है, इसने 6-7 मुल्कों से एक साथ जंग लड़के जीता हुआ एक परसेप्शन बनी हुई थी। वो परसेप्शन धपड़दूस हो गई कि एक ग्रुप, छोटा सा गजा का इलाका है उस पे हुकूमत करने वाला एक ग्रुप आता है और इतनी बड़ी कार्रवाई वारदात डाल के जाता है कि मूसाद भी फेल, हर किस्म की इंटेलिजेंस भी फेल, और वो जो चाहते थे वो हो गया। अमेरिका के डिजाइन भी उन्होंने जो है वो नॉर्मलाइजेशन वाले वो धपड़दूस कर दिए। तो एक तो ये मिथ टूटी, दूसरा ये कि ये जो सेटलमेंट्स वाला इशू है ना, इस पे अमेरिकन्स कह रहे हैं कि इनको जो है ना निकालो यहाँ से, जिन जिन को भी आप लेकर आए। अमेरिका खुद जिनकी सबसे बड़ी वॉइस थी इसराइल के हक में, वहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि निकालो इनको। तो वो वेस्ट वाले भी नहीं मान रहे, अमेरिकन्स भी नहीं मान रहे। ये इशू हाईलाइट हो गया है सेटलमेंट्स वाला कि ये गैर कानूनी है, जो भी यहाँ पर इसराइली बैठे हुए हैं उनको निकालो यहाँ से, और अमेरिका वीज़ा बैन लगा रहा है इनके ऊपर। जो जो सेटलमेंट्स के अंदर वहाँ लोग रहते हैं उनके ऊपर वीज़ा बैन यूरोप का और अमेरिका का लग सकता है, बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मेरे ख्याल से वहाँ पर कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट की हुई है। तो ये कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं था जिसको मोदी कॉपी करने की कोशिश करना चाहता था। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था कुछ अरसा पहले कि ब्रिंगिंग द इजरायली मॉडल टू कश्मीर, वी ग्रेजुअल इंक्रोचमेंट ऑन कश्मीरी राइट्स एंड ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन कुड सेट द रीजन ऑन फायर। ये कुछ अरसा पहले वहाँ पर अल जजीरा में रिपोर्ट हुआ था कि इतना आसान ये चीज़ है नहीं। और अभी तो देखें वहाँ पर लोग आना शुरू नहीं हुए कश्मीर के अंदर, मतलब मोदी साहब वाले तैयार बैठे हैं, लोग आए तो हम उनको जो है यहाँ के वर्क परमिट और ये सारा कुछ बना के दे दें, डोमिसाइल वगैरह, तो यहाँ की ये परमानेंट रेजिडेंट्स हो जाएं। लेकिन वहाँ कौन जाएगा, जंग के अंदर कौन जाता है अपने बच्चे लेके? कश्मीर को इतना आसान किस्म का रीजन तो नहीं है ना, वहाँ तो इतना इस कदर मार धाड़ है, इंडिया की आधी फौज वहाँ पर डली हुई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर मार कुटाई। आप देखें 2 दिन पहले भी 4 इंडिया के जो आर्मी के जवान हैं वो मारे गए वहाँ पे, एक तो उसमें कैप्टन भी था और 3 दीगर थे मारे गए, वहाँ मुजाहिदीन ने हमला किया मारे गए उसमें। तो जब फौजी ही महफूज नहीं है तो सिविलियन का क्या होगा? तो इतना आसान था नहीं यहाँ पर ये पॉलिसी यहाँ पर लेकर आना जो वो कॉपी करना चाह रहे थे इसराइल की। लेकिन इस सब के दरमियान ये इतना ज़्यादा इसराइल के कहते हैं कच्चे में चिमट गए कि इसराइली अब इनको जो है वो एक तरह से डिक्टेट करने लगे हैं। इसराइलियों ने लश्कर तैयबा को बैन किया, एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया उन्होंने वहाँ पर इसराइलियों ने ना। लश्कर तैयबा ने कभी भी इसराइल को वहाँ पर जाकर इस तरह तंग नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने यहाँ पर इनको बैन कर दिया इंडिया की रिक्वेस्ट के बिना। ये इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, उन्होंने खुद ही कर दिया है। क्यों खुद ही कर दिया है? क्योंकि बहुत बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं इंडिया से, मोदी पे प्रेशराइज, वो मोदी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप भी हमास को बदले में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें, जैसे हम आपके खिलाफ लड़ने वाले विरोधी ग्रुपों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं ना, आप भी करें। और ये डिप्लोमेटिक लेवल पर और बिहाइंड द सीन्स ये चीज़ें चल रही हैं, इसराइली दबाव डाल रहे हैं इनके ऊपर कि आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें। इंडिया नहीं मानता, इंडिया क्या, दुनिया के सिर्फ 6 मुल्क ऐसे हैं जो कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर उन्होंने किया हुआ है, बाकी दुनिया में कोई 200 मुल्क हैं, कोई नहीं मानता इस तरह। वो कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, सारी दुनिया इस तरह मानती है। तो इसराइल के लिए वहाँ पर फिर फलस्तीनियों के साथ लड़ने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनके लिए। तो ये इसराइली इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं अब कि ये दोस्ती तुमने इतनी गहरी की हुई है हमारे साथ, तो अब दोस्ती का फ़र्ज भी निभाओ भाई, तुम्हारे वालों को, तुम्हारे खिलाफ जो लड़ते हैं उनको हमने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, अब आप भी वो डिक्टेट कर रहे हैं एक तरह से, हमारे विरोधी ग्रोहों को आप भी यहाँ पर टेररिस्ट डिक्लेयर करें। अब ये मोदी साहब कर भी सकते हैं क्योंकि वो वोट लेने के चक्कर में हर हद तक जाते हैं, वो आसमान में आज भी वहाँ पर गए हैं तेजस लेके जहाज फोटो खिंचवाने के लिए, वुड यू बिलीव दैट, वो पायलट वाली ड्रेस पहन के, भाई तुम पायलट भी नहीं हो, तुम कुछ क्या हो तुम भाई, पायलट्स वाली ड्रेस पहन के, किट शिर पहन के गए हैं वहाँ पर, यूनिफॉर्म पहन के आसमान में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और पता नहीं किसको वेव कर रहे हैं वहाँ पर बादलों के ऊपर, कौन बैठा हुआ है वहाँ पे भाई,
उधर वेव कर रहे, इसे हाथ हिला रहे हैं कि पता नहीं कोई हज़ारों लोग आसमान में आ गए हैं इनको वेलकम करने के लिए। तो ये वोट लेने के लिए और पीआर के चक्कर में हर हद तक जा सकते हैं, ही कैन डू दैट। लेकिन इससे इंडिया और अरबों के दरमियान जो टाइज हैं, किसी एक अरब मुल्क ने हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया, बिकॉज ये स्ट्रीट लेवल का मसला है। अरब मुल्क जो होते हैं स्ट्रीट्स को लेकर अपने बड़े सेंसिटिव होते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे स्ट्रीट में प्रेशर है। तो जनरली माहौल जो है वो इस तरह का नहीं है कि हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सके वहाँ अरब मुल्कों के अंदर, और अगर कोई मुल्क करेगा तो डेफिनेटली अरबों के साथ उसके टाइज खराब होंगे। तो मोदी ये हरकत कर भी सकता है, लेकिन इससे इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को अरब वर्ल्ड के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है।